जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल शक्ति विभाग ने सोमवार को पद्धर उपमंडल में जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग पद्धर राजेश मोंगरा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये रथ विभिन्न गाँव में जाकर जल जीवन मिशन के संबंध में जागरूकता का प्रचार प्रसार करेगा। जल समिति एवं संचालन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत को पानी की शुद्धता जांचने के लिए एक किट भी दी गई। आज जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंडल पद्धर के अंतर्गत आज एक जागरूकता रैली हमने यहाँ से शुरू करी है, जिसके लिए हमने एक गाड़ी को यहाँ से भेजा है, जिसके तहत जल जीवन मिशन के तहत हमारा जो मैंडेट है, जो गांव में विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज का गठन करना, उनको जागरूक करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इस प्रोग्राम को, जल जीवन मिशन के प्रोग्राम को इसको सफल करने के लिए उन लोगों की भागीदारी में ये रहेगा कि जो उसके लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए लोगों का अंशदान उसमें सुनिश्चित किया जाएगा, जो परसेंटेज उसके नॉर्म के हिसाब से है वो दी जाएगी, और वो लोग एक अपना टेक्नीशियन जो है जो उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उसकी रिपेयर वगैरह जो छोटी छोटी मोटी होंगी गाँव में, उसके लिए जो है वो बंदा एक रखेंगे वहाँ पर, जिसको वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बोलेंगे, और एक हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है हमारा पानी जो है हमारा अंदर जो है वाटर गार्ड हो गया या हमारा लाइनमैन हो गया वो पानी देगा, उसके आगे उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, सो दैट कि ये प्रोग्राम जो है लोगों की भागीदारी से बने और वो ज़्यादा सफल हो सके। इसके लिए हमारा BWC के साथ जो है उनका जो इंटरेक्शन हो रही है, हमारी जो टीमें बनी हुई हैं ISA टीम हैं कुछ, उनके तहत उनको पंचायत दी गई हैं, वो उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, विभाग की कोऑर्डिनेशन के साथ सुनिश्चित कर रहे हैं, विलेज एक्शन प्लान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ ताकि ये तालमेल से बन के इस जल जीवन मिशन का जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लोगों को मिल सके, इसलिए आज हमने जो है वो इसके तहत वो एक कैंपेन जो है शुरू किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्धर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट।